बिहार के अंदर की कुछ न्यूज़ सुनी है, ब्लैक फंगस दवा पटना चली गई, यहाँ ऑपरेशन टाला लौटा दिए गए मरीज, क्योंकि ब्लैक फंगस के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जो इंजेक्शन चाहिए था, जो काला जामुन यूज होता है, एक्चुअली ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है नहीं, तो एक नया प्रॉब्लम आ गया है हॉस्पिटल्स में। SKMCH से ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन के अभाव के कारण चौथे मरीज का ऑपरेशन आगे के लिए टाल दिया गया है। 3 मरीजों का ऑपरेशन के बाद चौथे के ऑपरेशन के लिए SKMCH के पास अब एक भी वायल उपलब्ध नहीं है। इस कारण न केवल आगे के ऑपरेशन पर रोक लगा दी गई, बल्कि ऑपरेशन हुए 3 मरीजों की जान भी इस उम्मीद पर टिक गई कि पटना से आजकल इंजेक्शन की आपूर्ति संभव हो जाएगी। इस पूरी अफरातफरी में SKMCH में शनिवार को 2 मरीज वापस भी हुए, हालांकि बाद में एक संदिग्ध मरीज दीपक कुमार साहब को भर्ती कर लिया गया, उसकी जाँच प्रक्रिया चल रही है। इलाज में भी बाधा है, पटना वापस मंगा लिए गए 3 मेडिकल कॉलेज से 400 वायल, और अब उम्मीदों पर ही टिकी ऑपरेशन हुए 3 मरीजों की भी जान। एक मरीज को 2 सप्ताह में 90 वायल की जरूरत होती है, एक मरीज को 2 सप्ताह में 90 वायल की जरूरत कर रही है, और देख रहे हैं कि वायल नहीं है यहाँ का मौसम देख रहे, कोरोना की वजह से, ये साइक्लोन की वजह से सुस्त रहा अभियान, 150 युवाओं को ही टीका लग पाया है। 3780 लोगों की जाँच हुई है, जिसमें 73 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, और स्वास्थ्य केंद्रों में 2 डॉक्टर एब्सेंट थे जिन पर कार्रवाई होगी। और सिकंदरपुर में 5 जो कोविड मृतक हैं उनका दाह संस्कार हुआ है। मुजफ्फरपुर में कोरोना से 9 मरीजों की मौत हुई है। दिव्यांगों को घर पे जाके और 45 से ऊपर वालों को केंद्र पे टीका मिलेगा। एक्चुअली वैक्सीनेशन को जितना तेज़ी से और जितना ज़्यादा लोग इसके असर में आए, इसकी बहुत ज़रूरत है, तभी जाके हर्ड इम्यूनिटी कल्पना की जा सके। इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा और सब लोगों को, दिव्यांग हो चाहे 45+ हो, जो भी सीनियर सिटीजन है, किसी तरह सबको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट किया जाए। और बारिश साइक्लोन की वजह से सुस्त रहा अभियान, 150 युवाओं को ही टीका मिला, 3780 जाँच हुए, 73 मिले कोविड पॉजिटिव। और ये जो आपको साइक्लोन यश आया, इससे बहुत ज़्यादा असर हुआ है। बता रहे मुजफ्फरपुर के अंदर का न्यूज़ है, चर्च रोड में लोग ग्राउंड फ्लोर छोड़ पहली मंजिल पर शिफ्ट हो गए, इतनी पानी बरसी। ब्रह्मपुरा रेलवे कॉलोनी के घरों में लगा 1.5 फीट पानी। 2 दर्जन मोहल्लों में जमा है बारिश का पानी। बेला में चल रही है नाव, 50 घंटे बाद लौटी बिजली तो लो वोल्टेज से जूझते रहे। रेलवे कॉलोनी से पलायन, अस्पताल डूबा। 15 दिन में कच्ची पक्की से फर्दों तक बनेगा नाला, अब बनेगा। और ट्यूब की नाव से बहनों ने लाया रोशन, ये मुजफ्फरपुर का न्यूज़ है। राशन, बारिश के बाद महंगाई की मार, हरी सब्जियों के दामों चाहे नेचुरल सा है कि बारिश होने के बाद जो खेत में फसल थे वो तो बर्बाद हो गए, तो उसके बाद बारिश के बाद महंगाई की मार बढ़ गई है और हरी सब्जियों के दामों उछाल आ गया। सुबह धूप खिलने की राहत है, लेकिन आज भी बारिश के आसार हैं। 15 दिनों कच्चे पर्दों तक बनेगा नाला, और जब स्थिति इतना खराब हो गया तब ट्यूब की नाव से बहनों ने लाया रोशन। रेलवे कॉलोनी में पलायन, अस्पताल डूब गया। 50 घंटे बाद बैटरी लौटी बिजली तो लो वोल्टेज से जूझते रहे। मेंटेनेंस के नाम पर आज फिर 7 घंटे कटेगी बिजली, सुन लीजिए। और आपको 2 दर्जन मोहल्लों में जमा है बारिश का पानी। बेला में चल रही है नाव। चर्च रोड में लोग ग्राउंड फ्लोर से पहले मंजिल शिफ्ट हो गए हैं। और ब्रह्मपुर रेलवे कॉलोनी के घरों में लगा है 1.5 फीट पानी।